वेलकम बैक टू गैलेक्सी कार दिल्ली। तो दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए एक नहीं दो गाड़ियां लाया, और दोनों टॉप क्लास गाड़ियां। अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक में चाहिए तो ऑटोमेटिक भी है। पहले आप वीडियो को देखो, डिटेल गाड़ियों की वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको डिटेल नहीं बता पाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों गाड़ियों की डिटेल और प्राइस, गाड़ियों की माइलेज पूरी डिटेल मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहे। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ वॉक अराउंड। तो देख लीजिए, आज की जो पहली गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ आपको, टोयोटा करोला अल्टिस। करोला अल्टिस गाड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू अनटच कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी में दो चार पीस पैंट है, लेकिन पैंट से कुछ ऐसा नहीं होता कि आप सोचें गाड़ी पैंट है तो एक्सीडेंट है। गाड़ी अगर पैंट होती है तो एक्सीडेंट की गिनती में नहीं आती है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है, गाड़ी स्क्रैच आती है तो पैंट कराना पड़ता है। गाड़ी की बैक देख सकते हैं आप, D4DJ वेरिएंट है इसका। बहुत अच्छी कंडीशन, साफ कंडीशन में गाड़ी है, बहुत वेल मेंटेन। आप गाड़ी आके देखोगे, गाड़ी की ट्राई लोगे तो आपको खुद पता चलेगा गाड़ी किस तरह है। पूरी बॉडी में आपको कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा, कोई डेंट नहीं दिखेगा। इंटीरियर भी गाड़ी का बहुत साफ है। आपको गाड़ी की लेफ्ट दिखाता हूँ आगे से, फिर फ्रंट देख लीजिए। गाड़ी की लेफ्ट साइड पूरी, गाड़ी के टायर्स देख लीजिए, टायर्स की कंडीशन भी गाड़ी की बहुत अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी की लुक अगर आप देखेंगे, बहुत ही प्यारी क्लासी लुक है गाड़ी की। तो अब दिखा देता हूँ आपको गाड़ी का इंटीरियर। तो ये देख लीजिए गाड़ी का इंटीरियर, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी का इंटीरियर मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है, बेज कलर के टोयोटा के सीट कवर आपको मिलेंगे। गाड़ी का इंटीरियर भी जो देख सकते हैं, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो कि टोयोटा से ही आपको मिलेगा। बाकी बहुत अच्छी कंडीशन में, डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। गाड़ी का किलोमीटर भी आपको दिखा देता हूँ, 71,212 किलोमीटर गाड़ी चली है विद सर्विस रिकॉर्ड। टॉप स्पीड देख सकते हैं आप, 240 की टॉप स्पीड है गाड़ी में। गाड़ी की स्टेपनी देख सकते हैं, गाड़ी में टूल किट अंदर से भी कोई रस्टिंग नहीं है गाड़ी में। हुड स्पेस देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्पेस है। कितना भी आपका लगे, जो चार पाँच बैग भी आराम से कम्फर्टेबली आ जाएंगे इसमें। तो अब आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन। गाड़ी का इंजन देख सकते हैं आप, कितनी नई जैसी कंडीशन में गाड़ी का इंजन है। कोई गलावट नहीं है कहीं से, कोई डेंट पेंट नहीं है अंदर से। गाड़ी ओरिजिनल, जो पार्ट्स गाड़ी के कंपनी से आते हैं सारे वही जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे आपको। गाड़ी लेके आया हूँ वो है वॉक्सवैगन की जेटा। पहले आपको इसका वॉक अराउंड और इंटीरियर दिखाऊंगा, बाद में दोनों गाड़ियों की डिटेल एक साथ बताऊंगा। तो चलिए, तो ये देख लीजिए वॉक्सवैगन जेटा, क्योंकि बहुत प्यारी कंडीशन में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो पेंट है गाड़ी का वो सारा पेंट ओरिजिनल है। अलॉय कंपनी फिटेड अलॉय है गाड़ी में, क्योंकि टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी है। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ओरिजिनल पेंट में है, लेकिन बिल्कुल अनटच कंडीशन है गाड़ी की। कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है गाड़ी में। अलॉय भी जो देख रहे हैं, वॉक्सवैगन के अलॉय बहुत प्यारे अलॉय हैं गाड़ी में। बैक देख सकते हैं, सबसे बढ़िया बात जो आप ये देख रहे हैं, स्टिकर एडवोकेट की गाड़ी है, जज साहब एडवोकेट साहब का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी में। एक गाड़ी की बैक देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी कंडीशन में। गाड़ी की लाइटिंग देख सकते हैं सारी, कोई लाइट डैमेज नहीं है, कोई पार्ट डैमेज नहीं है गाड़ी में।
गाड़ी की राइट साइड देख लीजिए, तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंटीरियर। तो देख लीजिए गाड़ी का इंटीरियर कितना ही प्यारा है, वुडन फिनिश में। कंपनी फिटेड सीट्स कवर मिलेंगे आपको इसमें, जिसमें सीट्स कवर में भी आपको एयरबैग मिलेंगे। हाइड्रोलिक सीट्स होंगी इसमें, माउंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एलईडी स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, एयरबैग मिलेंगे आपको इसमें। गाड़ी का किलोमीटर भी आप देख सकते हैं, 58,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। टॉप स्पीड है गाड़ी की 280। देख लीजिए गाड़ी की रियर सीट्स, रियर की कंडीशन भी बहुत अच्छी है गाड़ी में। रियर में भी आपको एसी के वेंट मिलेंगे, लाइटर मिलेगा, आर्मरेस्ट, बोतल होल्डर, सारे फीचर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। टॉप मॉडल गाड़ी है, जो कि लग्जरी फीचर्स हैं सारे गाड़ी में। तो अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी का इंजन और हुड स्पेस कितना मिलेगा आपको। तो ये देख लीजिए गाड़ी की स्टपनी, स्टपनी भी ऐसा लग रही है कंडीशन जैसे आज तक यूज़ ही नहीं हुई। गाड़ी में स्पेस भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा खासा स्पेस है गाड़ी में, क्योंकि करोला अल्टिस से ज़्यादा लग रहा है मुझे स्पेस इसका। तो अब आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन। तो दोस्तों जैसे कि आपको दोनों गाड़ियों का मैंने इंटीरियर, एक्सटीरियर, वॉक अराउंड सारी चीज़ें दिखा दी, तो अब दोनों गाड़ियों की आपको डिटेल भी बता दूं। जो पहली गाड़ी मैंने दिखाई थी आपको करोला अल्टिस, 2014 मॉडल है, जे वेरिएंट है, डीजल इंजन में गाड़ी, मैनुअल ट्रांसमिशन में, 71,000 किलोमीटर चली है गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड। गाड़ी में एक दो पीस पेंट है लेकिन नॉन एक्सीडेंट की गारंटी है, पेंट से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गाड़ी पेंट है तो एक्सीडेंट में आएगी, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं ट्रैफिक बहुत है तो गाड़ी में स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए गाड़ी पेंट हो जाती है। और दूसरी गाड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वॉक्सवैगन जेटा, जेटा 2011 मॉडल में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी, बहुत अच्छी सुपर कंडीशन गाड़ी है, 53,000 किलोमीटर चली है गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड, नॉन एक्सीडेंट की गारंटी। गाड़ी के बम्पर भी ओरिजिनल है, अभी आप सोच सकते हैं गाड़ी कितनी अच्छी होगी। और जो भी आपको डिटेल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टॉक ज़्यादा है इसलिए दो दो गाड़ियों की एक साथ वीडियो बना रहा हूँ। स्टॉक आपको अगर चेक करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेट रहें, जो भी स्टॉक आता है इंस्टा पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी मैं वीडियो भी नहीं बना पाता, तो इंस्टा पर वो गाड़ियाँ भी होती हैं जिनकी वीडियो भी नहीं आती, तो आप वहाँ जाके वो भी गाड़ियाँ देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से, जैसे लग्जरी गाड़ियों की थोड़ी हैवी होती है। नॉर्मल गाड़ी अगर आप यूज़ कर रहे हो, होंडा सिटी या स्विफ्ट डिज़ायर, तो इनसे थोड़ी ऊपर ही होगी, क्योंकि गाड़ी इनसे लाख गुना अच्छी गाड़ी होती हैं ये, तो मेंटेनेंस में भी थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। एवरेज भी अगर आप मानोगे डीजल में, करोला अल्टिस की देगी 12-13 के पास एवरेज होगी, जेटा की भी यही सेम होगी, बाकी आपके चलाने के ऊपर होती है एवरेज। गाड़ी किस तरह आप चला रहे हो, कितनी एवरेज देगी। तो चलिए फिर, आपको अगर और कोई डिटेल जाननी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गाड़ियों की सारी डिटेल है। जो भी गाड़ी आपको चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो गाड़ी लेके आऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।